तो दोस्तों, वैसे तो हमारे पृथ्वी पर अनगिनत प्राणी मौजूद हैं जिनमें सभी एक दूसरे से अलग हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है कि काफी अलग प्राणी देखा गया है, पर आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर यह एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, सोचिए कि आप घूमने गए हों और आपको ऐसा प्राणी दिख जाए जो कि मकड़ी और इंसान के जैसा हो, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ अजीब प्राणियों को देखेंगे जो कि लोगों द्वारा देखा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है हमारी दुनिया में भी एलियन रहते हैं या फिर हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसी को लेकर एक घटना सामने आती है जो कि रशिया में रिकॉर्ड की गई है। जैसा कि हम इस क्लिप में देख सकते हैं, एक बड़ा सा लंबे हाथ पैर वाले मकड़ी जैसा कोई जीव बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर चढ़ते दिखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह रियल है या फेक? दोस्तों, अगर आपका जवाब रियल है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसको बहुत से लोग सच मान रहे हैं और कुछ लोग फेक। पर यह एक फेक वीडियो है जो कि एडिटिंग से बनाई गई है और इसका वास्तव में होने का कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान से तो हम सभी परिचित हैं और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ जा चुके होंगे। पर दोस्तों, जिस घटना के बारे में हम देख रहे हैं वह पुर्तगाल के एक रेगिस्तान में रिकॉर्ड की गई है। जैसा कि इस क्लिप में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक अजीब सा प्राणी दिख रहा है जो कि कुछ भी हो सकता है। वह झाड़ियों के बीच चला जाता है और कुछ समय बाद झाड़ियों में ही गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्लिप के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं बताई जा सकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, या कोई एलियन है या कुछ और? दोस्तों, वैसे तो जल परियां यानी कि मरमेट्स के ऊपर बनी आपने कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होंगी, पर आपको क्या लगता है कि यह वास्तव में हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसी ही एक घटना सामने आती है जो कि इजराइल के एक शहर किरियत याम, जो कि समुद्र के पास स्थित है, वहां पर वास्तव में जल परी देखी गई है। दोस्तों, जैसा कि हम इस क्लिप में देख सकते हैं, एक जल परी जैसा जीव पत्थर पर पड़ी दिखती है और जब लहर आती है तो वह आगे बढ़कर पानी में जाने लगती है और पानी में चली जाती है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि यह वास्तव में जल परी ही थी? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।